सदियों पहले हरियाली से सराबोर एक जंगल हुआ करता था उस जंगल में बंदर और बिल्ली की गहरी दोस्ती थी जहां भी जाना होता दोनों साथ ही घुमा करते एक दिन बंदर और बिल्ली एक नदी के किनारे बैठे हुए थे बिल्ली मासा जी भला इस जंगल के जानवर क्यों हमें मूर्ख मानते हैं? तो है ना हम मूर्ख यार वो बात नहीं है जंगल में अपन की कोई इज्जत नहीं है भाई मेरे वो तो घर पर भी नहीं है मेरी माँ हमेशा ये कहकर मुझे डांटती रहती है कि तू तो जैसे बड़बुक के साथ घूम मत घूम मत हाँ कोई बात नहीं तेरी माँ जानती नहीं ना कि तू तो भी अव्वल दर्जे का मोरक है सुन ना अगर हम हमसे भी किसी बड़े वाले मूर्ख को ढूंढ ले तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी हाँ यार ये तय कर दोनों बिल्ली और बंदर अपने से बड़ा मूर्ख ढूंढने के लिए सारा जंगल घूमने लगे उन्हें रास्ते में हाथी हिरण गधा ये जानवर दिखते हैं पर उनमें से कोई भी इन दोनों से बड़ा मूर्ख नहीं मिला इन जानवरों में हिम्मत नहीं है यार मूर्ख बनने के लिए हम जितनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना हम जैसे मिल पाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है ऐसे बात करते हुए जा रहे थे यू चलते हुए उन्हें जंगल के अंत में बहुत सारे पैसे दिखाई दिए कागज मासा जी ये यहाँ इतने सारे कागज कैसे तो मैं सोच रहा हूं भाई। उन दोनों ने ये सोचते हुए पैसे उठाए उनके समझ में नहीं आया उन पैसों से क्या करे उन पैसों को बिछा कर सो गए फिर पैसों से खेल रहे थे ये जब इस तरह पैसों से खेल रहे थे तभी वहां पर एक कबूतर ने आकर देखा ये क्या कर रहे हो पैसों से खेल रहे हो क्या क्या हुआ ये मामूली कागजात ही तो है अरे ये कोई मामूली कागजात नहीं मनुष्य इनके लिए लड़ मरते हैं। क्या क्या कहा? पर इसमें लड़ने जैसा क्या है इन पैसों के लिए तो कई युद्ध हुए हैं। इन कागज के क्या फायदे हैं? इनसे आहार खरीदते हैं आहार तो प्रकृति देती है ना इमारतें खड़ी करते हैं भला उसका क्या फायदा? चाहे जितने भी कमरे बना लो सोते तो एक ही कमरे में है ना? अरे मेरे मूर्ख दोस्तों इन पैसों से लोग मान सम्मान खरीदते हैं आदर खरीदते हैं नाम खरीदते हैं पहचान खरीदते हैं अधिकार भी ऐसे कबूतर ने कहा बिल्ली और बंदर को उसकी बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ क्या कहा सम्मान और पहचान खरीदते हैं? छोडो ना यार चलो हमें मूर्खों को ढूंढना है नहीं अब ढूंढने की जरूरत नहीं समझो मिल गए चलो अपना काम देख लें। ऐसा कहकर बंदर बिल्ली को अपने साथ लिए वहां से चला गया जालसाज मगरमच्छ चतुर चील और बंदर बहुत समय पहले एक जंगल में एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठा बंदर फल खा रहा था आसमान में उड़ रही चील ने उसे देखा और उस बंदर के पास आई मैं आज सुबह से कड़ी धूप में उड़कर खाने के लिए आहार ढूंढ रही हूँ पर अब तक तो कुछ नहीं मिला मुझे बहुत भूख लगी है मेरे पास इन फलों के अलावा और कुछ नहीं अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम ये फल खा सकती हो अब क्या खाऊंगी इससे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरी भूख मिट जाए बस ऐसा कहकर चील बंदर से फल लेकर खा लेती है तुम्हें इतनी भूख लगी थी तुम्हें जब भी भूख लगे तुम बेझिझक मेरे पास आकर फल खा सकती हो मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ अरे बाबा अब इसका आभार क्या मानना तुम चाहो तो आज से हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं क्या कहती हो तुम जैसा दिलदार दोस्त पाना तो मेरे लिए किस्मत वाली बात ही होगी दोस्त पेड़ पर चल रहे इस दृश्य को नदी से मगरमच्छ देख रहा था कितने दिनों से इस पेड़ पर रहने वाले बंदर को खाने की आस में था अब तो इसके साथ चील भी आ गई इन दोनों को खा जाऊंगा ऐसा सोचकर मगरमच्छ मगरमच पानी में चला गया अगले दिन जब बंदर पेड़ पर बैठा था मगरमच किनारे पर औंधा पड़ा कहता है बचाओ बचाओ, कोई कोई मुझे मैं भूख से मर रहा हूं। कोई मदद कर दो मेरी ऐसे उल्टा गिर कर कराह रहा था उसे ऐसे कराहते हुए थे, बंदर को उस पर दया आई और वो पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के पास गया उसी समय आकाश में उड़ती हुई चील उसके पास आई और कहा रुक जाओ दोस्त आगे मत बढ़ना इसके मगरमच्छ के आंसुओं पर मत जाना ऐसे आगाह किया तब बंदर ने कहा दोस्त लगता है इस मगरमच्छ को नदी में कुछ खाने नहीं मिला देखो तो भूख के मारे कैसे बेजान सा पड़ा है भूख मैं मर रहा हूँ कोई मुझे बचाओ संभल के इसकी झूठी बातों में हमें नहीं आना चाहिए दोस्त भला ऐसे कैसे हो सकता है कि नदी में इसे खाने को कुछ न मिले लगता है ये हमारे लिए जाल बिछा रहा है उन्हें खुशफुसाता हुआ देख मगरमच्छ ने अपनी आवाज तेज की बचाओ कोई मेरी जान बचाओ इस पर बंदर ने तुरंत अपने पास रखे कुछ फल उस मगरमच्छ को दिए मगरमच्छ ने छठ से सीधा होकर उन फलों को लिया और मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊँगा तुमने आज मेरी जान बचाई है जी बस भी करो सच बताओ ये नाटक मेरे दोस्त को फंसाने के लिए था ना? दोस्त ऐसा मत कहो मदद मांगने वाले पर शक करना मतलब उसका अपमान करना अरे मेरे दोस्त तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर ये मगरमच्छ नाटक किए जा रहा है और ये मेरा शक नहीं यकीन है दोस्तों मेरी वजह से तुम दोनों में वाद विवाद हो ये मैं नहीं चाहता तुम्हारी दोस्ती में खलल पड़े ये मैं नहीं चाहता मुझे क्षमा कर दो मेरी भूख मिटाने के लिए धन्यवाद मैं अब चलता हूँ कहकर मगरमच्छ पानी में चला जाता है देखा दोस्त तुम्हारी बातों ने उसका कितना दिल दुखाया तुम चाहे जितना भी कहो मुझे उस मगरमच्छ पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं तुम अपना ध्यान रखना और पेड़ पर ही रहना मैं चलती हूँ कहकर चील उड़ गई। उसके जाते ही मगरमच्छ वापस पानी से बाहर निकलकर बंदर से कहता है दोस्त तुमने मेरी भूख तो मिटा दी अब मेरे बच्चों की भी मिटा दो ऐसे बेचारा मुंह बनाकर पूछता है उदार मन वाला बंदर एक पल के लिए भी ना सोचते हुए पेड़ पर चढ़कर कुछ फल मगरमच्छ को देने जैसे ही जाता है दोस्त मेरी भूख मिटाकर तुमने मेरी जान बचाई मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे भूखे बच्चों को तुम ही स्वयं अपने हाथों से फल दो मुझे अच्छा लगेगा भूखे को कोई भी खिलाए क्या फर्क पड़ता है भूख मिटने से मतलब है मैं नहीं आऊँगा तुम जाओ नहीं नहीं, तुम्हें आना होगा मेरे बच्चों के लिए ही सही तुम्हें आना होगा तुम मुझे ना नहीं कह सकते कह कर बहुत जबरदस्ती करने लगता है बंदर चाह कर भी ना नहीं कह पाया हाँ कहकर मगर के पेट पर बैठ जाता है तैरते तैरते नदी के बीच जब वे पहुंच जाते हैं तब मगरमच्छ ने कहा कब से इस पल का इंतजार कर रहा था जिस दिन से तुम्हें उस पेड़ पर देखा है तभी से तुम्हें खाने के लिए तरस रहा था आज आखिर ये होकर रहेगा ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त दोस्त कौन दोस्त अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो मेरे अच्छे दोस्त चील ने मुझसे पहले ही कहा था पर मैंने ही नहीं माना तुम्हारी दोस्त बड़ी होशियार है इसलिए बच निकली वरना मैं तो तुम दोनों को खाना चाहता था बेचारे बंदर को क्या करे समझ नहीं आ रहा था उसने इधर उधर देखा तो आसमान में चील उड़ते हुए आई और कहा घबराओ मत मेरे दोस्त मैं आ गई हूँ कहकर चील बंदर को मगरमच्छ की पीठ से उठाकर उड़ उठ जाती है मुंह तक आया हुआ निवाला छिन जाने पर मगरमच्छ बहुत पछताया